जिसमें हमें शेडेड पोर्शन दिखाए गए थे उनको आइडेंटिफाई करना था एज फ्रैक्शन। आज हमें फ्रैक्शंस दी गई हैं, उनके हिसाब से हमें फिगर्स में उस फ्रैक्शन का जो पार्ट है उसको हमें शेड करनी है। जैसे पार्ट नंबर वन में जो है एक सर्कल बनाया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सर्कल के 6 पार्ट बनाए गए हैं। अब हमें इसमें 1/6 को शेड करना है, यानी इस सर्कल का जो 6th पार्ट है जिसको हम 1/6 भी कहेंगे या 1/6 पार्ट, उसको हमें शेड करना है। तो हम किसी भी जो भी इसके पार्ट हैं ये 1/6 हैं, हम किसी एक को मान लीजिए हम इसको हम शेड करते हैं, ये हो गया इसका 1/6, ये मैंने शेड कर दिया इसको। इसी तरह अब क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट है, इसमें हमें एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के अंदर एक और ट्रायंगल बनाई गई है, तो ये कुल मिलाकर इसके पार्ट बनते हैं 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमें दिखाया गया है कि इसका आपने 2/3 दिखाना है, 2/3। मेरे ख्याल से ये जो क्वेश्चन है इसमें कहीं एरर हुआ है, ये 2/3 नहीं हो सकता था क्योंकि टोटल पार्ट इसके हैं 1, 2, 3, 4, 4 हैं, तो इसमें से 2/4 हो सकता है या 3/4 हो सकता है या 1/4 हो सकता है, 2/3 इसमें से नहीं हो सकता। चलो हम कर लेते हैं इसको 3/4। तो ये एक हो गया 1/4, ये हो गया 2/4 शेडेड पोर्शन जो आप किया हमने, अब इसको मिलाकर ये हो गया 3/4, यानी टोटल इस ट्रायंगल के पार्ट्स थे 4, उन 4 में से 3 को हमने शेड कर दिया। दैट मींस दिस शेडेड पार्ट ऑफ दिस ट्रायंगल इज 3/4 ऑफ द होल ट्रायंगल और 3/4 ऑफ ट्रायंगल। तो इसी तरह तीसरा पार्ट है, उसमें हमें 1/3 को यानी 1/3 पोर्शन को शेड करना है। तो यहाँ पर 3 ऐसे बने हुए हैं, 1, 2 और 3, इनमें से किसी भी एक को हम शेड कर देंगे। चलो हम इस ऐसे को शेड कर देते हैं। ये हो गया इसका 1/3। इसी तरह हमारे पास जो चौथा पार्ट है 4th पार्ट, उसमें हमें दिखाना है 3/4, मतलब इसके 4 हिस्से हैं यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, इनमें से हमें 3 पार्ट्स को शेड करना है, तो वो हो जाएगा 3/4। हम पहले इसको शेड करते हैं, फिर इसको करते हैं, आप इसको करते हैं, ये हो गया इसका 3/4। अब इसी तरह 5th पार्ट है, इसमें हमें बताना है 4/9। ये यहाँ हम अगर देखेंगे ये एक ट्रायंगल है, हमें ये रेक्टेंगल है, इसको 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 3 क्योंकि 9। अब इन 9 में से कोई भी 4 पार्ट्स जो हैं हम उन्हें शेड कर देंगे, हम ये कर रहे हैं हम शेड। ये हो गए हमारे 4/9, यानी 4/9 ऑफ दिस शेप।
अब इसी तरह हमारे पास एक और यहाँ पर सर्कल बनाया गया है, इसके अंदर जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं और बनाए गए हैं, ये टोटल हैं 20। अब ये कहता है इसमें से 1/4 यानी 1/4 को शेड करो। अब ये 20 हैं, 20 को हम चार हिस्सों में अगर डिवाइड करेंगे तो हर हिस्से में कितने आएंगे, 5। तो उसका मतलब है ये 20 का 1/4 जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 5। तो हम इन 5 सर्कल्स को, ये जो मिनी सर्कल्स हैं इसके अंदर, हम उनको शेड कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका 1/4। दो, चार और 5, ये 5 मिनी सर्कल जो हैं सर्कल के अंदर, इनको हमने शेड किया तो ये इसका हो गया 1/4। हमने इसको चार इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक पार्ट हो गया ये, दूसरा हो गया यहाँ तक, तीसरा हो गया यहाँ तक, चौथा हो गया यहाँ तक। अब इस चौथे हिस्से को या 1/4 को हमने शेड कर दिया, ये हो गया इसका 1/4। इसी तरह हमारे पास, हम टेक्स्ट बुक पर देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है हमें आइडेंटिफाई द एरर इफ एनी। ये जो 3 डायग्राम्स हैं यहाँ पर पार्ट फर्स्ट 2 और 3 में, इसमें हमें देखना है कि कोई एरर तो नहीं है। तो इसको दिखाया गया है, इन्होंने पार्ट 1 को शेडेड पोर्शन को बताया गया है 1/2, दिस इज 1/2, तो ये एरर है क्योंकि ये इक्वल पार्ट नहीं है, ये एरर है। इसी तरह इसको बताया गया है शेडेड पार्ट को 1/4, ये 1/4 नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके 4 इक्वल पार्ट्स नहीं हैं, ये 2 पार्ट्स बड़े हैं, ये 2 छोटे हैं। इस तरह ये इसको दिखाया गया है 3/4, ये भी 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुई है, इसलिए ये भी एरर है। तो आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम दूसरे क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह।